हेलो फ्रेंड्स, जेडीएस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास नाइन का चैप्टर सेकंड सिविक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र हमें क्यों चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें क्या कर रहे हो, रूलर्स को कौन इलेक्ट करता हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पीपल द्वारा इलेक्ट किया जाता हो यानी चुना जाता हो। तो यहाँ से हमारा पहला फीचर निकल के आता है डेमोक्रेसी का कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने की शक्ति किसके पास होती है, जो पीपल द्वारा इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ इसके अगेंस्ट में, पाकिस्तान में 1999 में क्या परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, जो क्या करते थे, ये क्या करते थे, आई रन दिस कंट्री, इस कंट्री को कौन कर रहा हूँ, रूल मैं कर रहा हूँ। फाइनली 2002 में क्या बने, वहाँ के वो प्रेसिडेंट बन चुके और उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसके थ्रू क्या किया उन्होंने, आई कैन डिसमिस एनी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी उनके पास पावर आ गई लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू कि मैं किसी भी गवर्नमेंट को कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, या गवर्नमेंट को खत्म कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे पूरी तरीके से रोल किसका हो गया, प्रेसिडेंट का, यानी परवेज मुशर्रफ का। नाउ नेक्स्ट केस क्या है हमारा, चाइना का केस लेते हैं। इसमें क्या है, इलेक्शन कम से कम 300 मेंबर्स के होते थे और उसके बाद प्रेसिडेंट चुने जाते थे। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, लेकिन इसमें से जो 3000 मेंबर थे उसमें से कुछ लोग किसके द्वारा चुने जाते थे, आर्मी के द्वारा। तो अ कैंडिडेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और अदर 8 स्मॉल पार्टीज विद सपोर्ट CCP, यानी अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हो इलेक्शन के मेंबर्स का, तो सबसे पहले क्या हो, आप चाइनीज कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, दूसरा क्या कि बाकी जो अदर कम्युनिटीज पार्टी हैं उसके उसके थ्रू अगर आप आते हो, जिसको क्या करो, CCP जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती हो, सपोर्ट करती हो इन अंडर द फाइट इलेक्शन, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय CCP, यानी हमेशा क्या बनती, चाइना में गवर्नमेंट किसी बनती थी, CCP की बनती थी, क्योंकि चाइना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जितने भी मेंबर्स थे वहाँ के CCP पार्टी के हों, तो यानी उनके पास कोई चॉइस, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए हमेशा क्या बनता था, CCP की पार्टी का की गवर्नमेंट बनती थी। नाउ नेक्स्ट केसेस लेते हैं हमारा मैक्सिको का। मैक्सिको में क्या था, इन 1932 to 2000 तक PRI रूलर्स यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज़ पार्टीज का क्या था, वहाँ पे रूल था। नाउ नेक्स्ट केस क्या है हमारा मैक्सिको का। मैक्सिको का मतलब क्या है, ट्रिक्स यूज बाय PRI टू विन इलेक्शन, यानी ये भी क्या करते थे मैक्सिको में, PRI के जो ट्रिक्स थे उसको यूज करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड देयर पार्टीज मीटिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करते थे, अपनी पार्टीज की मीटिंग को अटेंड करते थे। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट द PRI, यानी जो टीचर्स हुआ करते थे गवर्नमेंट स्कूल के, वो क्या करते थे, पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आप PRI की पार्टी को क्या करोगे, वोट दोगे। मीडिया पे उनका पूरा कंट्रोल था। फोर्थ पॉइंट, पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड विच मेड अ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट, यानी पोलिंग बूथ क्या होती थी, बहुत ही शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसमें क्या डिफिकल्टी होती थी लोगों को वोट देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, PRI स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट, यानी PRI क्या करती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे खर्च करती थी अपने कैंडिडेट पर। सो अब यहाँ से नेक्स्ट फीचर हमारा क्या आता है, अ डेमोक्रेसी मस्ट ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए फीचर, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि क्या हो, एक फेयर चांस हो दूसरी पार्टीज का आने का। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्या है, हर एक को वोट देने का अधिकार हो, हर एक की वोट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। जबकि इसके अगेंस्ट में एक केस है जिसका, सऊदी अरबिया में, यहाँ सऊदी अरबिया और एस्टोनिया में, यहाँ पे फीमेल्स को वोट देने का अधिकार नहीं था
और एस्टोनियन में रशियंस को वोट देने का अधिकार रहता है, जबकि अगला एग्जाम्पल क्या है, फिजी का है। यहाँ पे एक आदमी को एक वोट ही काउंट किया जाता था, जबकि जो नॉन फिजी हुआ करते थे उनको वोट को क्या माना जाता, काउंट किया जाता था, हाफ काउंट किया जाता था। सो नेक्स्ट फीचर हमारा फोर्थ फीचर क्या रहेगा, इससे पहले हम एक केस पढ़ते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। 1980 जम्बू पीएफ पार्टी, यहाँ कौन सी थी जिम्बाब्वे में, जम्मू पीएफ पार्टी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, रॉबर्ट मुगवे। यहाँ पे क्या था, नो कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, रॉन्ग जजमेंट थी इनकी पूरी, सेंसरशिप था पूरा, मीडिया पे इनका कंट्रोल था। तो अब इसे हमारा क्या नया फीचर निकल के आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन अ लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड सिटीजन राइट्स। एंड डेमोक्रेटिक कैसी होनी चाहिए कंट्री, यहाँ पे गवर्नमेंट एक रूल रेगुलेशन के साथ काम करे और लोग जनता के भले के लिए काम करे, ना कि वहां पे सेंसरशिप लाइक जिम्बाब्वे। सो एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर, यानी डेमोक्रेसी क्या है और उसके फीचर्स क्या है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में भी। थैंक यू।